सामने वाली पहाड़ी का व्यू देखो कितना। तो गुप्त काशी है 3 किलोमीटर और सोन प्रयाग 32 किलोमीटर। केदारनाथ कितना है? ये वो केदारनाथ महापल्ले आई थी, कहाँ हो गई वो? आगे मिलेगा, आगे दिखाएंगे। 55 किलोमीटर केदारनाथ है, मतलब ऊपर मंदिर तक। तो अभी सुबह के बज गए हैं 4 और यहाँ से निकलेंगे हम लोग डायरेक्ट श्रीनगर के लिए। बीच में रोक दिया गया था जैसा कि आपने पीछे देखा। ये पढ़ो आप, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था आगे जाना 2-व्हीलर। तो मेरे साथ में तनुज भाई मिले हैं। हेलो गाइस, देहरादून से हैं तनुज भाई। यहाँ से निकलेंगे चेक पोस्ट पे, जो कि हमें रोक दिया गया था और 4 बजे बोला है टाइम। वो अभी हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं और सीधा श्रीनगर के लिए चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे श्रीनगर, कहीं रुकना नहीं है। फिर रात का टाइम है, रात को थोड़ा सा रुकना मना है, रात को रुकना मना है क्योंकि रोड जानवरों का है। तो अब चढ़ाई शुरू हो रही है और यहाँ से कंटिन्यू चढ़ाई रहेगी। अब जितना आगे चलेंगे उतना ही पहाड़ मिलेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो चढ़ाई स्टार्ट। तो लास्ट टाइम मैं और राहुल यहाँ पे चाय और ब्रेड पकौड़े वगैरह खाए थे रात को। ये भाई साहब इन्होंने बताया था कि यहाँ पे तेंदुआ आता है इस साइड से, ये भोले का नाम। अब गाड़ी रुकेगी सीधा श्रीनगर। जय शंभू। तो बाबा के दर्शन के लिए हम लोग निकल पड़े हैं और सुबह के बज गए हैं 4 और अभी हम हैं ऋषिकेश में। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अलाउ कर दिया है और अब गाड़ी का थ्रोटल देंगे पूरा जोर लगा के। रात का टाइम है, अब बिल्कुल अंधेरा वाला सीन है। छोटा भाई बड़े भाई को लेके आ रहा है और जो टर्निंग है ये टर्निंग ख़त्म नहीं होगा। अब ये टर्निंग चलता रहेगा ऐसे ही, लेफ्ट राइट, ये टर्निंग बंद नहीं होगा। ये श्रीनगर तक ऐसा मिलेगा, ऊपर तक ऐसा मिलेगा। चारा वहाँ अपनी गाय भैंसों को लेके चल दिए हैं। ये देखो लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए पुलिस वाले मना करते हैं कि आप रात को नहीं जाना। उनका भी अगर कोई आता है तो जिद नहीं करना कि हमें जाने दो जाने दो। हमने उनकी बात को समझा माना और हम 4 घंटे रुके और उसके बाद जगह जगह काफ़ी लैंड स्लाइडिंग हो रखी है। ये इमरजेंसी के लिए यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है और लैंड स्लाइड इतना ज़्यादा है इस रोड पे, इतना ज़्यादा लैंड स्लाइड है। तो सोचो कि बारिश के टाइम में कितना दिक्कत होता हुआ यहाँ पे ट्रैवल करना। ये देखो लैंड स्लाइड, कई कई जगह तो 70% रोड ने कवर कर रखा है। ये देखो जितना ये रोड बना रहा उतना प्रकृति ने लैंडस्लाइड करके अपना हिस्सा वापस ले लिया है। बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला लैंडस्लाइड सबसे तगड़े वाला है। केदारनाथ अभी 143 किलोमीटर है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से आपको नीचे दिखाऊँ एक अद्भुत नज़ारा, 2 नदियों का संगम। आपने मेरे टूंगनाथ के ब्लॉग में देखा होगा दिन में, तो ये रात का नज़ारा है। अद्भुत संगम, अद्भुत नज़ारा है ये। भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो रहा है यहाँ पे। अरे ये देखो ये लोग भी मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले इनका दर्शन भागीरथी और अलकनंदा से होता होगा। और आगे गंगा नदी बन के निकल रही है, देखिए। श्रीनगर कितना बढ़ जाएगा? श्रीनगर
इनको देख के गाना याद आता है, भेड़ा तेरी है। कितने प्यारे प्यारे हैं। देख चाय देना। सुबह के 6:30 हो गए और मैं जस्ट पहुंचा हूँ श्रीनगर और यहाँ चाय की चुस्की ले रहा हूँ कि ठंड है यहाँ बहुत ज़्यादा। और श्रीनगर में इतनी ठंड है तो आगे कितनी ठंड होगी। तो मुझे लग रहा है एक गिलास चाय में मज़ा नहीं आएगा, 2 गिलास पीना पड़ेगा। कंटिन्यू 4 बजे से बाइक राइड करके श्रीनगर पहुँचा हूँ मैं और मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए पूरे ठंड से। टाइम है चाय तो हमने गटक ली, 2 चाय, तब जाके मन भरा है। और अब तो भाई आया हुआ था, केदारनाथ दर्शन कर लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना भाई से मिलते हुए चले। हेलो, कह रहा हूँ चाय पी लो, बढ़िया चाय है पीछे अगर टाइम है तो। तो जिस छोटू के बारे में हम बात कर रहे थे, ये हमारे छोटू। क्या हाल भाई, और कैसे हो? मस्त एकदम। तो भाई साहब फिर अब आप सीधा निकल जाओ यहाँ से, 3 घंटे लगेंगे ना। हाँ, अगर कंटिन्यू चलोगे ना तो 3 घंटे लग जाएंगे, 3-3.5 घंटे बस। चलो बंद करता हूँ। तो छोटू से मिल लिए ना, ये अपने छोटू भाई। भाई का नाम क्या है? शांतनु त्यागी। शांतनु त्यागी। तो भाई लोग अपने मेरठ के हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आगे फिर, ठीक है? ओके, बाय बाय प्रशांत। बाय 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 भाई। जय बाबा जी, जय शंभू। अभी प्रशांत, छोटू नाम प्रशांत है, मिल के अच्छा लगा बहुत दिन के बाद। सामने वाली पहाड़ी का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, गजब का है। मतलब दिल ठंडा हो जा रहा है देख के, है ना? अभी इसके बीच में जब धूप निकलेगी ना तो ये और अच्छा लगता है। इतना खतरनाक रोड लग रहे हैं देखने में, नीचे लेफ्ट हैंड साइड पूरी खाली है। रात में यहाँ पे एक मंदिर है जो धारी देवी का मंदिर है। अगर आप मंदिर को देखोगे तो चारों ओर पानी है। तो ये धारी देवी का मंदिर है, यहाँ पे बोलो माँ धारी देवी की जय हो। तो इनकी डोली जो है, वो डोली को नहलाया जाता है पानी के अंदर, नहलाते हुए ऐसे वीडियो देखा है मैंने। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी कुल देवी है। ये वो द्वार है जहाँ से जय माँ धारी देवी का प्रवेश द्वार है, यहाँ से नीचे जाते हैं। कितने भी बैरिकेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, प्रकृति जब अपने पे आती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती है। कितना कुछ किया था उसके बाद भी ये सब टूट गया है। प्रकृति को तोड़ने वाले खुद ध्वस्त हो गए, देखिए। पहाड़ से आ रहा है, योगेश भैया गुड़गांव से 200 किलोमीटर दूर जयपुर से हैं। भैया आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश नाम है। तो भैया कंटिन्यू जयपुर से इन्होंने ऋषिकेश तक राइड किया है नॉन स्टॉप, और साथ में भैया भी थे। तो अभी यहाँ से जर्नी हम स्टार्ट करते हैं और सीधा चलेंगे सोनप्रयाग। तो चलें फिर। चलो चलो, हर हर महादेव। जय शंभू। Rage on that beat, going crazy. दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से। स्टालियन बोलते हैं इसको। ये है रिकवरी वैन। ये
देखो कैसे पहाड़ को काटा है और कितना अच्छा रोड बनाया हुआ है। रोड बहुत ही शानदार रोड है, एक नंबर। जो चार धाम की यात्रा चल रही है इसके लिए मोदी जी को दिल से धन्यवाद बोलूँगा। चार धाम का प्रोजेक्ट है और कई जगह कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे चल रहे हैं। अच्छे भाई गॉड, क्या नज़ारा है, इससे कहते हैं प्रकृति की खूबसूरती। एक बार फोटोग्राफी हो जाए यहाँ पे। तो अभी यहाँ से गुप्त गौरीकुंड जो है 70 किलोमीटर है। साथ में योगेश जी हैं हमारे साथ, गुड़गांव से हैं भैया। तो मैं भी गुड़गांव का, भैया भी गुड़गांव से। तो भैया कैसा लग रहा है ये बताओ पहले। बहुत भैया अच्छा लग रहा है। और बाकी भैया का तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये लद्दाख भी गए हैं अपनी बुलेट से। तो ये राकेश भी आए और नज़ारा ऐसा था कि बिंदास एक नंबर। और मजबूर हो गए रुकने के लिए क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ नीचे, ये देखो इतना प्यारा लग रहा है कि यहाँ पे तीन गाड़ियाँ हैं, एक भैया की बुलेट है, ये रही मेरी टाइगर होंडा शाइन जिसका नाम मैंने टाइगर रखा हुआ है, ये है योगेश भैया की एनफील्ड। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे। आज है दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और मार्केट है, मार्केट में जाम रहेगा क्योंकि आज दिवाली है। ये आप टैक्सी में आप यहाँ से गौरीकुंड जा सकते हैं। यहाँ से शेयरिंग में भी चलती हैं, बुक करके भी जा सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जाना कहीं चाहते हो। तो लास्ट टाइम जब मैं टूंगनाथ आया था तो यहीं स्टे किया था, यहीं पे आगे एक हाउस है वहीं पे स्टे किया था, ये इसमें स्टे किया था लास्ट टाइम मैंने। और ये लास्ट वाला रूम था लास्ट। और वो भाई थोड़ा पीछे रह गया था, हम वेट कर रहे थे भाई का। चलो 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 चलो। और अभी भी राकेश भाई लीड कर रहे हैं आगे। ये कुंड है, इस जगह का नाम है कुंड। पीछे हैं अपने योगेश भाई और बीच में मैं हूँ। खूबसूरत नज़ारा देखो। जब कभी जाओगे ना टूंगनाथ, ओमकारेश्वर इधर का रास्ता है। तो लास्ट टाइम मैं जब टूंगनाथ आया था तो मैं सीधे निकल गया था। और अब ये है केदारनाथ। केदारनाथ यहाँ से प्रारंभ हो गया, गुप्त काशी 6 किलोमीटर है। तो गुप्त काशी है 3 किलोमीटर और सोनप्रयाग 32 किलोमीटर, केदारनाथ कितना है 55 किलोमीटर केदारनाथ है मतलब ऊपर मंदिर तक। तो अब यहाँ थोड़ा रुके थे फोटोग्राफी के लिए। केदारनाथ की चढ़ाई का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ज़्यादा
ऑफ टाइप, एकदम ऑफ रोड जैसा है बिल्कुल। अच्छा, ये पानी पहाड़ से आता है क्या? अच्छा, मतलब ठंडी में गर्म पानी आता है। क्या बात है, बिल्कुल मीठा पानी, ना उससे जुकाम होता है ना कुछ होता है। सर्दियों में गर्म आता है और गर्मी में ठंडा। सामने हेलीपैड है, यहीं से बन के निकलता है ये। 7,000 यार, फिर वो वाला सस्ता है। यहाँ पे दो हेलीपैड है, एक यहाँ पे है और एक आगे है। तो भाई बता रहा है, जो लोकल बंदा है, कह रहा है कि इसका महंगा है, आगे वाला सस्ता है। ये 7,000 आना जाना, 7,000। मोदी जी भी कल आने वाले हैं, तो सिक्योरिटी यहाँ पे अलर्ट पे है पूरी एकदम। यहाँ पे झरने की कमी नहीं है। ये आपके सामने वाटरफॉल है, ऊपर से आ रहा है काफ़ी। बारिश के टाइम में इसका सीन अलग रहता है, एक सबसे बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से। और एक ये है वाटरफॉल, ये रहा, ये वाला फॉल है देखो, कितना फुरफुरा के बह रहा है पूरा बिल्कुल। ये इंजॉय करो यहाँ से व्यू का, कितना प्यारा व्यू देखो, वो ऊपर से आ रहा है ये। तो ये मेरे पीछे आप एक वाटरफॉल देख रहे हो, झरना, जिसको हिंदी में झरना कहते हैं, इंग्लिश में वाटरफॉल। और ये ऊपर से आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। कि अगर आप केदारनाथ गौरीकुंड की तरफ निकलोगे तो बिना रुके आप मानोगे नहीं, आप अपने आप रुक जाओगे कि इतना प्यारा व्यू है। है ना, बिल्कुल शानदार। आपको रेनबो दिख रहा है, रेनबो, वो रेनबो बना हुआ पूरा, है ना, कितना प्यारा है, कितना प्यारा व्यू है। पहाड़ों से पानी आ रहा है, ओए बच गया। सामने ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, एक पूरा हेलीपैड वो दिख रहा है आपको। दो नहीं है, 3-4 है, हमें तो पीछे 3 मिल गया, 3 या 2। अब ये लेके जाएगा यहाँ से। हाय हाय भाई, मजा आ रहा होगा बैठने में। तो अभी जस्ट हम पहुँचे सोनमर्ग, ये है पार्किंग यहाँ की। गवर्नमेंट अप्रूव पार्किंग है, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे आप देखो, आपको बाइक सबसे ज़्यादा मिलेंगी, तो मोस्टली सब बाइक ही यूज़ करते हैं। बाइक सस्ती पड़ती है, 1,000-1,200 रुपये में रेंट में मिल जाती है। तुम्हारी चाबी तो मेरी, दो मिनट में चाबी लगाना एक बार, चलो मैं आता हूँ। तो अब स्टार्ट होगी ट्रैकिंग यहाँ से, सकल पे मत जाओ, सकल तो बहुत ज़्यादा होगी। ट्रैकिंग करेंगे शुरू, पहले तो गौरीकुंड के लिए टैक्सी से जाएंगे और फिर उसके बाद ट्रैकिंग है। तो मैंने अनपैक कर लिया है, मीन्स इन सबको बैग में डालते हैं और फिर चलते हैं आगे। एक होटल वगैरह लेते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं। तो चलते हैं फिर आगे, होटल लेते हैं। मैडम, जो गाड़ियाँ खड़ी है, कोई पास की ज़रूरत नहीं है ना? ऐसा अफवाह फैला के गए थे यहाँ पे कि यहाँ पे क्लॉक रूम नहीं है, बट यहाँ पे मैं वहाँ से यहाँ तक देख रहा हूँ 10 क्लॉक रूम अवेलेबल है। तो वीडियो में यार नहीं पता है तो किसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी लोगों को। रेड अलर्ट हुआ था ना, ये रूम 5,000 रुपये के दिए थे ना। ये वो केदारनाथ है, वहाँ पर ले आई थी, कहाँ हो गई थी वो? आगे आगे दिखाएंगे आपको, यहाँ होगी नहीं गई थी? नहीं, आपको सारा दिखाएंगे आगे।